लखनऊ महापौर की बीजेपी प्रत्याशी सूक्ष्म खरकवाल ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ ही यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनका काफिला बड़ी धूमधाम से बीजेपी कार्यालय से निकला। सुषमा 30 साल पुरानी बीजेपी कार्यकर्ता है। आज नामांकन का अंतिम दिन है, इसलिए बड़ी संख्या में सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी महापौर की तरह ही सपा प्रत्याशी वंदना मिश्रा, बसपा की शाहीन बानो और निर्दलीय प्रत्याशी आशा मिश्रा ने भी नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा महापौर पद के लिए सुभासपा की अलका पांडे, लोकदल की मधु सेन, संयुक्त जनादेश पार्टी की मिथिलेश सिंह ने भी नामांकन भरा। लखनऊ में सभासद के प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला और नामांकन दाखिल किया। हाँ, बहुत अच्छा, सारे कार्यकर्ता एक जुट है, सारी महिलाएं बहुत उत्साहित है, मात शक्ति बहुत मजबूत है और सारी महिलाएं बिल्कुल सब इनको इतने वोटों से जिताएंगी जो बिल्कुल ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी। नगर निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे कैंपेन स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, जो क्या है वो योजना के अंदर चाहे नाली का, खड़ंजे का या सड़कों के निर्माण का रहा हो, कूड़े के निस्तारण का रहा हो, उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ रहा है। और शायद यही कारण है कि ज़्यादातर निकायों में हम लोग हमेशा से जीतते आए हैं और मैं समझता हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को, जो आम कार्यकर्ता जिसको कहा जाता है, उसको टिकट दिए हैं और कार्यकर्ताओं में एक गजब का जोश दिखाई पड़ रहा है और मैं समझता हूँ कि बीजेपी स्वीप करेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है उसका सुपड़ा साफ होगा। अगर अतीक अहमद के साथ जो घटना हुई है उसके बाद विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, विपक्ष हमेशा किसी भी, चाहे वो देश राष्ट्र के हित की बात हो, चाहे समाज के हित की बात हो, चाहे कोई और बात हो, हर चीज पे वो सरकार को कट